रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा। दरअसल वो पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार कैसा होगा, क्योंकि पारसी समुदाय के लोग ना हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते और ना ही मुस्लिम रीति रिवाज से। फिर रतन टाटा का पार्थिव शरीर का क्या होगा? दरअसल पारसी समुदाय के लोगों का मानना है कि प्रकृति ने हमें यह शरीर दिया है और अंत में उसे हमें वापस करना होता है, और इसे लेकर पिछले कई दशकों से ये चर्चा है कि देश में जो पारसी लोग हैं उनके मरने के बाद शरीर का क्या होता है, कैसे उनके अंतिम संस्कार होते हैं। दरअसल पारसी समुदाय से आने वाले लोगों की माने तो अब देश में उनकी आबादी बेहद कम है, लेकिन जिस तरीके से उनके अंतिम संस्कार पहले किए जाते थे वो परंपरा अब धीरे धीरे बदल रही है। इसके पीछे के कारण प्रकृति में अब चीलों के गिद्धों के नहीं होने का कारण बताया जा रहा है, साथ ही साथ अब जो है इलाके उतने खुले नहीं रह गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि रतन टाटा का पार्थिव शरीर आज जिस तरीके से पूरा देश शोक में है, सदमे में है, देश ने अपना एक हीरो खोया है, उस हीरो के अंतिम दर्शन करने के बाद शरीर का क्या होगा? अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो बताया जा रहा है कि आज शाम उनके पार्थिव शरीर को विद्युत सवदाह पर समर्पित कर दिया जाएगा, यानी कि हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उसके पहले तमाम पारसी जो धर्म के अनुसार जो कर्मकांड होते हैं उसे भी किया जाएगा। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो पूरे देश के लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचे, देश के कई बड़े नामी जो लोग हैं वो पहुंचे, क्योंकि रतन टाटा का अंतिम संस्कार कैसा होगा यह सवाल हर किसी के मन में है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि वो पारसी समुदाय के तहत जो नियम है उस नियम के तहत क्या उनका अंतिम संस्कार होगा, हिंदू रीति रिवाज से होगा, सवाल यही बना हुआ है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली शमशान घाट में शाम 4 बजे होना है। वो पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, इसके बावजूद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जा सकता है, ये जो है वो जानकारी बताई जा रही है। आपको बताते कि देश के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बुधवार की रात को अंतिम सांस ली थी। आज उनके अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली में शाम 4 बजे किया जाएगा उनका। रतन टाटा पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, इस वजह से उनके अंतिम संस्कार को लेकर हर किसी के मन में जिज्ञासा है। अब जो जानकारी है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि विद्युत सौदा गृह में उनके शव को रखा जाएगा, इसके पहले 45 मिनट तक उनके लिए प्रेयर की जाएगी। हालांकि पारसियों के रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं, आपको बता दें कि हिंदू और मुसलमानों से वो अलग होते हैं। पारसी समाज में अंतिम संस्कार के रीति रिवाज विधि विधान सब अलग हैं। पारसी लोग न हिंदुओं की तरह जलाते हैं और न ही मुसलमानों की तरह दफनाते हैं, उनकी प्रथा दोनों से अलग है। दरअसल इस समुदाय का मानना है कि इंसानी शरीर प्रकृति का दिया हुआ वो तोहफा है जिसे मौत के बाद उसे वापस लौटाना होता है। पूरी दुनिया में पारसी समुदाय इसी भावना के साथ मृत शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। मृत शरीर को टावर ऑफ साइलेंस में रख दिया जाता है, जिसके बाद शव को गिद्ध के हवाले कर दिया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस यानी कि प्रकृति की गोद में पारसी समुदाय के लोग अपने मृत शरीर को इसी प्रकृति की गोद में छोड़ देते हैं, इसे लोग दखमा कहते हैं। इस समुदाय में यह प्रथा सदियों पुरानी है। टावर ऑफ साइलेंस में जो शरीर होता है मृत शरीर, उसे गिद्ध और चील खाते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के पारसी अंतिम संस्कार की इस प्रथा को बहुत ज्यादा नहीं मानते। हालांकि रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी समुदाय के बनाए गए विद्युत सौदागृह में ही किया जाना है। दरअसल साइलेंस
टावर ऑफ साइलेंस की जो बातें की जा रही है, वो एक तरीके का गोला नुमा बिल्डिंग हुआ करता था, जिसके छत पे अंतिम दर्शन के बाद शरीर को रख दिया जाता था। इससे चील और गिद्ध जो अन्य जानवर होते हैं उनके खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, वो सुनसान होता था। लेकिन अब धीरे धीरे प्राकृत में चील और गिद्धों की संख्या घटी, साइलेंस अब जो टावर है उसके आसपास के इलाके में घनी बस्तियां होना भी कई कारण निकल के सामने आए। इस वजह से धीरे धीरे पारसी समुदाय के लोगों ने साइलेंस टावर ऑफ साइलेंस पर पार्थिव शरीर को यानी मृत शरीर को रखना बंद करके उसके लिए उन्होंने भी उस जगह पर विद्युत सवदाह के लिए मशीनें लगा ली है। अब जो जानकारी रतन टाटा के लिए है उसमें बताया जा रहा है कि रतन टाटा का दाह संस्कार पारसी नहीं बल्कि हिंदू रीति रिवाज से जलाकर किया जाएगा, वो भी विद्युत सवदाह में किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा भी कई तरीके की तथ्य आपको बता दें कि रतन टाटा के जो पार्थिव शरीर को लेकर बातें कही जा रही है कि वो जिस पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे उस समाज के लोग किस तरीके से अपना अंतिम संस्कार करते थे और इसके पीछे की पूरी 45 मिनट की जो प्रथा है उस प्रथा में क्या किया जाएगा, उसमें जो जानकारी निकल के सामने उसमें बताया जा रहा है इस दौरान एक प्रार्थना सभा रखी जाएगी और इस प्रार्थना सभा में रतन टाटा के लिए प्रार्थना की जाएगी और फिर उन्हें पारसी रीति रिवाज से ही उनके अंतिम दर्शन के बाद उनके शरीर को रखा जाएगा। आइए आपको बता दें कि एक बार जो जानकारी है उसके अनुसार कि आखिर पारसी रीति रिवाज वाले वर्ली के शमशान घाट में जो किया जाएगा जहां पर अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगा दी गई है विद्युत सौदा के लिए, हालांकि जिस प्रथा से रतन टाटा का जो अंतिम संस्कार किए जाने की पूरी बातें निकल के सामने उसमें कहा जा रहा है कि वो परंपरा है दोख मेनासिनी परंपरा जिसका पालन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके पहले की पूरी प्रार्थना सभा है वो किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर वर्ली के पारसी शमशान भूमि में लाया जाएगा, यहाँ सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। प्रेयर हॉल में करीब 200 लोगों की मौजूदगी हो सकती है। यहाँ करीब 45 मिनट तक जो प्रार्थना सभा है वो चलेगी। उसके बाद बताया जाए कि प्रेयर सभा के बाद जो पारसी समुदाय के रीति रिवाज होते हैं उस रीति रिवाज में प्रार्थना हॉल में ही पारसी रीति से गेहूं सारनू पढ़ा जाएगा। फिर रतन टाटा के पार्थिव शरीर के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रख दिया जाएगा, फिर उस पर अहोनावेति का पहला पूरा अध्याय पढ़ा जाएगा। ये शांति प्रार्थना की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रॉनिक अग्निदाह में रखा जाएगा और वहीं उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रतन टाटा पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार अन्य कम्युनिटी से अलग है, लेकिन जिस कम्युनिटी की हम चर्चा कर रहे थे उसके अंदर जो विधि विधान है उसका विशेष जो नाम है वो रखा गया है दोख मेनासिनी परंपरा, लेकिन इस परंपरा से टाटा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। कहा जाता है कि पहले इस परंपरा में शवों को अंतिम संस्कार को दोखमा नामक स्थान पर रख दिया जाता था, जहां शव को चील के लिए छोड़ दिया जाता था जो शव को खा जाती थी। यह परंपरा पारसी धर्म के अनुसार शुद्धता का पवित्रता का प्रतीक है। हालांकि समय के साथ पारसी समुदाय के लोगों ने इस परंपरा को छोड़ना शुरू कर दिया। पारसी समुदाय की यह अंतिम संस्कार परंपरा करीब 3000 साल पुरानी मानी जाती है। इसके तहत शव को दखमा यानी कि टावर ऑफ साइलेंस पर शुद्ध करने के बाद रखा जाता था, जहां मांसाहारी पक्षी खास तौर पर चील और गिद्ध जो होते थे वो उसे खाते थे। दखमा यानी कि टावर ऑफ साइलेंस को पारसियों का कब्रिस्तान भी कहा जाता था, जो एक गोलाकार खोखली इमारत होती थी। अब रतन टाटा का भी पार्थिव शरीर लाया तो जाएगा, लेकिन उनके अंतिम संस्कार की जो पूरी व्यवस्था है वो सीधे तौर पे पारसी धर्म के प्रार्थना के बाद जो शमशान में विद्युत सौदगृह में जो मशीनें लगाई गई है उस पर टाटा के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और फिर उनका अंतिम संस्कार संपन्न होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।